ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि आजकल प्राइवेट स्कूल में इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत कम उम्र लड़कियां टीचर रख रहे हैं कि लड़के पढ़ाई से ज्यादा पटाने पे ध्यान दें। एक लड़की कह रही है, पिछले हफ्ते मेरा रिश्ता आया, लड़का बिजली के महकमे में काम करता था, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं अपने शौहर को गालियां नहीं दे सकती। शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना, हाँ? उसके महके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? कंफर्म कर। शौहर कहने लगा नहीं, मुझे खुशी होती है। बात पता है कि हालत कैसे भी हो, ऐसा बंदा जो है ना सिर्फ मजे ही तलाश कर रहा होगा। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, पुराने वाले अब उधार नहीं दे रहे। बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उसे भरने में 30 साल लग जाते हैं, और अगर आप बैंक में डकैती मारते हैं और पकड़े जाते हैं तो 10 साल में आप बाहर आ जाते हैं। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले और अगले दिन मैं मर जाऊं तो क्या फायदा ये 90% का? बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। भाई औरत सब कुछ भूल सकती है लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। अच्छा चाहत फतेह अली खान जिस तरह काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये राहत फतेह अली खान से ज्यादा पैसे लेने लगेगा। पुलिस और बीवी एक जैसी ही होती है, एक रिमांड से मारती है और दूसरी डिमांड से मारती है। एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई हमने सीखा ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने, क्योंकि जमाना उस्ताद है और हमें उस्तानियां पसंद थी। एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो लेकिन गलती हमारी ही होती है। शौहर अपनी बीवी से कह लेगा तुम इतना काम करती हो, ज्यादा थक जाती हो, क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें? बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। किया है कि तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है, कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में, अब्जा जवान। मेरा कुछ सोचो ना यार, मुझे तो कल ही डॉक्टर ने कहा आपके व्हाट्सएप में लड़की के नंबर की कमी है। अच्छा भाई ऐसे एक बात है, हमारे मुल्क में अगर 10 दिन किसी का बुखार ठीक ना हो ना, शख्स सीधा रिश्तेदारों पर जाता है, किसी ने जादू करवाया। भाई ये मुर्गी पानी पीती है तो टॉयलेट क्यों नहीं जाती? मैंने बोला तू पानी पीता है तो अंडे क्यों नहीं देता? बस यही कि औरत जो औरत के 5 मिनट तैयार होने के और मर्द के 5 मिनट यार अभी आ रहा हूँ बराबर है। लड़की अगर पतली होती है ना बिल्कुल कहते 0 फिगर, और लड़का अगर पतला है कहते खत्म है यार। भाई तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है, तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है, तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है, कह दो अपने पापा से कि यही तुम्हारा दामाद है। पॉलिटिशियन कह रहे डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना। कंजूस से गिनता बता रहा हूँ, इतने कंजूस सही है। मैं 2 हफ्ते पहले इनके घर गया, मुझे कह रहे बरकत क्या पिएगा, ठंडा या गरम? मैंने बोला दोनों। कह रहे बेगम एक काम करो, एक ग्लास फ्रीजर से और एक ग्लास गीजर से पानी ले आओ। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कहते ना बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। और एक बात है, मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, वो मासूम तो सब औरतों को पसंद करते हैं। अगर कोई आपसे कह देना यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपसे उधार मांगो। अब ये देखो उधार लेने वाला एक बार मांगता है और उधार देने वाला बार बार मांगता है। आपको पता गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी। आप यकीन करो ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जेंट सीटी बजा रहा था, उससे जाकर पूछ रहा भाई कितने गोल हुए। यार हमने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि ये बिजली जो है पानी से बनती है,
बिल देख के ऐसा लगता है देसी घी से बनती है। स्कूल से याद आया, एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है। तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे? क्या? कि हमारा बच्चा है, गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया, ये क्या करा? अरे यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कन्फर्म उठा कर ले जाएंगे।